प्रायेण देवमुनयुः स्वविमुक्तिकामाः मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षये को नान्यं तदस्य शरणं ब्रह्मतोऽनुपासे प्रायेण देवमुनयुः स्वविमुक्तिकामाः मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षये को नान्यं तदस्य शरणं ब्रह्मतोऽनुपासे श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने बताए निर्जन भजन का नाम लेकर आप लोग आराम करने का कोशिश मत करो। निर्जन भजन का बहाना लेकर आप चुपचाप बैठे रहोगे ये उचित नहीं है। श्रील प्रह्लाद महाराज जी का बात काल उठाया था। प्रह्लाद महाराज जी कह रहे हैं कि ये संसारी जो जितना सारे आदमी हैं ये संसारी आदमी सब पड़ा हुआ है कुप में, जैसे कुएं में पड़ा हुआ है, कुएं में गिरे हुए हैं ये सब। और प्रह्लाद महाराज जी ने बताएं, प्रह्लाद महाराज ने बताएं, मैं तो यही अच्छा समझता हूँ, हित्वात्पातम गृहम अंधकूपम वनम गत हरिमाश्रयत। प्रह्लाद महाराज ने बताए, मेरा तो ऐसा विचार है कि अंधाकूप जैसा ये जो संसार है उसको छोड़ के वन में जाके हरि भजन करना, भगवान का चरण आश्रय करना मैं यही उचित समझता हूँ। वन का व्याख्या काल हो गया। वन का मतलब जंगल नहीं, वन का मतलब सात्विक वास, हर वक्त साधु संग में रहना, हर वक्त साधु संग में रहना, मानसिक भाव रूप में, और वास्तव साधु मिल जाए तो वास्तव साधु का संग, ऐसा करते करते संसार जय हो जाएगा, नहीं तो करोड़ों जन्म भी जय नहीं हो सकता। साधु संग का बहाना करना और साधु संगो वास्तव करना, ये दोनों में फर्क है। बहुत सारे आदमी गुरु वैष्णव का सेवा करना चाहता है लेकिन अंतर में विचार नहीं करता कौन सी सेवा करने से वो गुरुजी संतुष्ट हो, कैसे करने से संतुष्ट हो, ये सब विचार नहीं, बिल्कुल ये सब विचार बिल्कुल उठाता ही नहीं, आता ही नहीं हृदय में। एक उदाहरण याद आया, एक गांव पे एक वैष्णव था, बहुत सुंदर, और वैष्णव गुरु सेवा वैष्णव सेवा में बड़ा रुचि रखते थे। बड़ा रुचि रखते थे और गुरु वैष्णव सेवा में एक दफे गुरुजी आया, जारा का एक दफे गुरुजी आए। गुरुजी आने का बाद वो जारा का मरसूम, उस समय गर्म पानी किए करके पैर धुलाया, सब कुछ कर किया, सब कुछ करके एकदम माला पढ़ाया पहनाया, सब कुछ किया, बहुत वंदना किया, कीर्तन किया, सब कुछ किया। अब वो गांव का एक भूखा आदमी वो देखा, मतलब गुरु जी का ऐसे स्वागत करना चाहिए, और वो तो भूखा है, कुछ नहीं जानता, अनुगत्य भी ऐसा नहीं है, बुद्धि भी कम है। एक दफे गुरु जी दूसरे दफे आए, बोलो बोले हमारा घर में चलो, बोलो तुम्हारा घर में बाद में आएंगे, आज तो समय नहीं है, इस समय इसका तो हो गया। दूसरे एक समय आए, बड़ा ज्वेठ महीना का समय है, बड़ा गर्म है एकदम, उस समय आए और
ये आदमी का घर में आए, वो जो दूसरा जो शिष्य है उसका घर में आए। आने के बाद वो क्या किया करके, वो गर्म पानी किया करके चरण को धुलाने के लिए आया, गर्म पानी दे दिया। गुरु जी बोले गर्म पानी क्यों दे रहा है? बोला हमने देखा गर्म पानी से आपका चरण धुलाया जाए, उसलिए हम गर्म पानी से धुलाए। विचार नहीं है जो गर्म पानी से, अभी तो गर्मी का समय है, अभी गर्म पानी क्या काम का? कैसे गुरु जी का सुख हो मानसिक अंतर में, ये सब विचार नहीं है। हमको करना चाहिए, करेगा जोर जबरदस्त ऐसा सेवा, विचार नहीं है। सेवा का मतलब है गुरु वैष्णव का संतुष्टि, कैसे वो संतुष्ट हो ये विचार करना है, नहीं तो सेवा नहीं होता, उल्टा हो जाता है, फल उल्टा हो जाता है। प्रहलाद महाराज जी हिरण्यकशिपु को बताए कि हम तो यही समझते कि अंधकूप सदृश, जहाँ बिल्कुल जो हृदय का जो बंधन है वो कभी भी टूटने वाला नहीं, इतना जबरदस्त बंधन है वो टूटने वाला नहीं बिल्कुल। और इस अवस्था प्रहलाद महाराज जी ने ये उपदेश भी दिए, जब तक वास्तव शुद्ध गुरु वैष्णव परमहंस गुरु वैष्णव का चरण धूलि से हमारा अभिषेक ना होए, जब तक शुद्ध गुरु वैष्णव परमहंस गुरु वैष्णव का चरण धूलि से मेरा अभिषेक ना हो जाए। अभिषेक जानते हो? अभिषेक किसको बोलता है? अभिषेक जब तक ना हो जाए तब तक होगा नहीं, बुद्धि शुद्धि होना संभव नहीं। और काल बताता है हिरण्यकशिपु बड़ा गुस्सा हो गया कि जितना बार बच्चा को लाए वही गुरु संड और अमर को, शुक्राचार्यों का दो लड़का, वो शिक्षक है गुरुजी है, माने जितना सारे बालक है असुर बालक उसमें प्रहलाद महाराज भी है, उसको सिखाते हैं सब कुछ, पढ़ाई कराता है। इस समय प्रहलाद महाराज को दो बार हिरण्यकशिपु के पास लाया गया, लेकिन जितना बार लाया हिरण्यकशिपु पूछा कि बेटा कुछ अच्छा कुछ सीखा तो बताओ, हर वक्त वो हरिभक्ति का ही बात बोलता है और दूसरा कुछ बोलता ही नहीं। इसमें हिरण्यकशिपु बड़ा गुस्सा हो गया और मारने के लिए आदेश किया, मार डालो इसको, ये लड़का नहीं चाहिए हमको। इसके बाद जो है संड और अमरको को बहुत फटकारा, संड अमर को हाथ जोड़ के बोले देखो हमने ये सब सिखाया नहीं, तो आपने सिखाया नहीं तो कहाँ से सीखा? बोलो ये तो हमको पता नहीं, ये हमारा शिक्षा नहीं है, और हमारा जो विद्यालय है विद्यालय में बाहर का कोई आदमी आए ये भी संभव नहीं, क्योंकि वो बंद है, हमारा गेट बंद रहता है, बाहर का कोई आके उसको सिखा के पढ़ा के जाए ये संभव नहीं, तो कैसे हुआ? तो गुरुद्वय संडो अमर को हिरण्यकशिपु जी को बताए नैसर्गिक यम मतिरस्वराजन, ये नैसर्गिक वृत्ति है, निसर्गो मतलब इसका पहले से ही इसका संस्कार ऐसा है, वो ऐसा बताते हम लोग सिखाए ना, विश्वास करो आप। फिर वो बच्चा को लेके चले गए प्रहलाद को, और प्रहलाद को लेके जब चले गए इसके बाद वो विद्यालय में जितना सारे छोटे छोटे बालक है उसका ही दोस्त है, सब पढ़ाई एक साथ पढ़ाई करता है, और वो बच्चा लोग प्रहलाद महाराज जी को पूछा, अच्छा प्रहलाद आपका गुरुजी और हमारा गुरुजी तो एक ही है, एक ही साथ पढ़ाई करता, लेकिन आपका ये सब जो बुद्धि है आपका जो विचार है वो शिक्षा कहाँ से मिला? को समझ में नहीं आता कैसे आपको समझ में आया? तो उसका बाद प्रहलाद महाराज जी ने बताना शुरू कर दिया, बहुत सारे बात बताए। इसके बाद प्रहलाद महाराज जी को अक्सर प्रहलाद महाराज जी को लेके
प्रहलाद महाराज को घेर के, सारे प्रहलाद महाराज को घेर के सारे बच्चा लोग बैठ जाते, सारे बच्चा लोग जो है प्रहलाद महाराज को घेर के बैठ जाए। और प्रहलाद महाराज जी प्रवचन शुरू करे अपना। प्रहलाद महाराज के प्रवचन सुंदर बोल रहे, देखो देखो दोस्तों, बोले क्या है, बोले कौमार आचरित आचरित प्राज्ञो धर्माण भगवतानि हो दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। अध्रुवम, ध्रुव नहीं है, ध्रुव माने फिक्स, ध्रुव मतलब जिसका स्थायित्व है, अध्रुव मतलब जिसका कोई स्टेबिलिटी नहीं, स्थायित्व नहीं है। ये दुर्लभ मानुष्य जन्म है, एक भी बुद्धिमान आदमी समाज में मिलना बहुत मुश्किल है, जो वास्तव बुद्धिमान एक्चुअल इंटेलिजेंट, सारे कम बुद्धि वाले, वो सोचता है हम बड़ा बुद्धि, हमारा बड़ा विचार है, हम बहुत बुद्धि वाले हैं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। हरिभजन का बुद्धि तो बिल्कुल नहीं है, और किसी बुद्धि हो ना हो, बुद्धि तो उसी को बोले जाता है, तो हरिभजन का बुद्धि हो तो, नहीं तो कुछ बुद्धि नहीं। प्रहलाद महाराज ने बोले देखो दोस्तों, ये कौमार वयस बचपन में भजन करना चाहिए, बुढ़ा होने से भजन नहीं बनता, जब कौमार काल है उसी से ठाकुर जी का भजन करना चाहिए, और देरी हो जाए तो बस होगा नहीं, कुछ नहीं होता, मुश्किल है, बचपन से ही करना चाहिए। ऐसे तो गुरु वैष्णव का कृपा हो तो हो जाता है, किसी का संस्कार पूर्व संस्कार टूट जाए तो। कौमार आचरित, आचरित इसमें मतलब यह है, कौमार वयस में ही आचरित मैंने आदेश करना चाहिए। आ किसी का अगर सौभाग्य नहीं है तो उम्र ज्यादा हो गया तो भी हो सकता, वास्तव कृपा मिल गया तो हो सकता, लेकिन आचरित इसके द्वारा विधि लिंगो है, इसके द्वारा प्रहलाद महाराज विधि लिंगो दिया है कि आचरित ये करना ही चाहिए उचित। कौमार आचरित प्राज्ञो, प्राज्ञो जो वास्तव बुद्धिमान जो है, वो प्राज्ञो मतलब जिसका प्रज्ञा प्रतिष्ठित हुआ है, गीता में इसका बारे में, गीता में इसका बारे में बताया प्राज्ञो। वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः, वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। ये जो शब्द बोला, जिसका सारे इंद्रिय अपना बस में है, उसका प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। ये शब्दों का पूरा व्याख्या करो तो इसमें उत्तर आएगा, ऐसा कौन आदमी है जिसका सारे इंद्रिय अपना बस में है, इसका उत्तर आएगा ऑटोमेटिकली परम भक्तों का, ज्ञानी जोगी इन लोगों का भी इंद्रियों क्या है, बड़ा बस में रहता है, इतना बड़ा वैराग्य तुम्हारा हंसी लगेगा, तुम सोचोगे हमारा क्या वैराग्य है, कुछ नहीं, इतना कठोर वैराग्य, लेकिन भगवान का भक्ति नहीं है, इतना वैराग्य आप देख के पागल हो जाओगे, इतना शुद्धता, इतना वैराग्य, सब कुछ है, लेकिन भगवान के लिए प्यार नहीं है, भगवान को प्यार करे, भगवान का सेवा करे गुरु, ऐसा कुछ नहीं। तो उसका जो वैराग्य है, हम ये कई बार उदाहरण भी दिए हैं, जोगी ज्ञानी और बड़ा भारी आदर्श पालन करने वाले जो है, हमारा नैतिक आदर्श है, हमारा नैतिक आदर्श है, सब कुछ है, ये सब नैतिक आदर्श वाले जितना सारे समाज का आदमी है, इन लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। जब तक कृष्ण भक्ति में प्रतिष्ठित ना हो जाए तब तक कोई वैल्यू नहीं। हमने ये प्रमाण भी दिया कि देखो कितना बड़ा बड़ा ऋषि मुनि ज्ञान मार्ग में है, कर्म मार्ग में बहुत सारे, जोगी योग मार्ग में, लेकिन एक न एक समय लोगों का जो क्या है, थोड़ा बहुत मुश्किल आ गया था, लेकिन प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिया था, प्रहलाद महाराज नाम पे प्रतिष्ठित है, इसका बारे में काल भी चर्चा किया था गंभीर,
जब तक कोई नाम नाम भजन में प्रतिष्ठित ना हो जाए, इसका बारे में नामाष्टक से स्वरूप गोस्वामी पाद का श्लोक यद ब्रह्म साक्षात कृतनिश्चय आपि इत्यादि श्लोक बताया था, कोई फायदा नहीं। जब तक नाम में प्रतिष्ठित ना हो, नाम का कृपा ना हो जाए, तब तक कोई फायदा, कभी भी मुश्किल हो सकता। तो ये जो कौमार आचार्य ठीक ही बोला, देखो आचार्य करना चाहिए एकदम आचरित प्राज्ञ व्यक्ति, मतलब प्राज्ञ का जो स्वाभाविक अर्थ है उसमें बसे ही यशेन्द्रियाणी तस्व प्रज्ञा प्रतिष्ठित। लेकिन इसका पूरा व्याख्या करे तो देखा जाए अंतिम में भक्त छोड़ कर कोई नहीं प्राग, उसका ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित है जो भगवान का सेवा गुरु वैष्णव का सेवा को अपना जिंदगी में तन मन धन, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत कर दिया मत हो गया, तन मन धन बाजी लगाकर सेवा। परम पूज्य भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज का एक घटना याद हो गया, पंजाब में एक विधवा मैया, विधवा सहारा कुछ नहीं है, स्वामी मारे गए कुछ नहीं है, संपत्ति भी कुछ नहीं है, किसी भी हालत गुजारा होती थी। और उसका एक बेटिया रानी है, और बेटिया रानी पढ़ाई लिखी की और शादी का तो उम्र हो गया, शादी का समय, और शादी नहीं दिया जाए तो बाद में शादी होगा ही नहीं, मुश्किल। और इसी समय परम पूज्यवाद भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज एक दफे प्रचार में गए, पूरा प्रचार पार्टी को लेके प्रचार में गए। प्रचार के जाने का बाद वो माता जी ने प्रार्थना की, महाराज यहाँ कहाँ रुकोगे, तो कोई जगह अच्छा है नहीं, हमको कृपा करके हमारा इधर रुको, कृपा करके हमारा हमारा मकान पूरा खाली है तो हम रहता विधवा आदमी इधर, अब पूरा आपको छोड़ देंगे, आप इधर रहो कृपा करके रहो और सेवा। महाराज जी बोला तुम्हारा कैसे करोगे, तुम्हारा तो कुछ मना, हम कर लेंगे कोई बात नहीं, आओ कोई भी असुविधा नहीं। ऐसा करके माता जी गुरु जी को पैर पकड़ के लाए, अपना मकान पे व्यवस्था किए, और उसका पैसा पाती कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि एक बड़ा सेठ आदमी के पास गया कि बोले तो आपका चरण में मेरा एक विनती है, पहले भी आपको बहुत उपकार हमने किए हैं। बोले बहन बोलो क्या सेवा चाहिए। बोले सेवा फेवा ने एक काम है, मेरा जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग आपका पास गिरवी रखे आप, या तो हम सोच दे सके रुपया अगर आपको वापस दे तो दे, बिल्डिंग हमारा वापस आएगा, नहीं तो जिंदगी भर के लिए आप ही ले लो, कुछ रुपया चाहिए हमको इसका वैल्यूएशन। बोले कई हजार रुपया ले लिया, लेके पागल का माफी गुरु जी का उत्सव किया, और लोग घबरा गया इसके पास कुछ नहीं है कैसे उत्सव कर रहे, किसी को पता नहीं। आ सारे उत्सव किया, प्रचार किया, सब कुछ किया, गुरु जी का पूर्ण कृपा प्राप्त हुआ। गुरु जी अंतर्जामी सब जानते हैं, गुरु जी चले गए आंसू लेके। अंतिम में क्या हुआ, गुरु जी अंतर्जामी है सब जानते हैं, गुरु जी को बोलने का दरकार नहीं पड़ता, वैष्णवों को अंतर्जामी है, गुरु जी जानते हैं इसका, वो अपना जिंदगी को बाजी लगाकर सेवा किया गुरु सेवा, तो इसको ही हम कृपा करेंगे। बोले किसी को पता नहीं, गुरुजी चला गया, और लड़की भी शादी, लड़की का शादी होनी चाहिए नहीं तो होगा नहीं, मुश्किल। तो गुरुजी एक उसका ही एक शिष्य है जम्मू में रहता है, उसको इंगित दे दिया, सिर्फ इंगित, ज्यादा बोला भी नहीं कुछ, ए उसका लड़की का शादी है थोड़ा देखना, हाँ वो समझ गया गुरुजी क्या बोल रहा है, कुछ बोला ही नहीं, जाके खबर लिया, खबर ले देखे वो बिल्डिंग जाने वाला है, बिल्डिंग वो रुपया तो दे नहीं सका, गिरवी रखा पूरा। और वो जो जम्मू का है वो जो गुप्ता जी बड़ा बड़ी हमको भी बहुत प्यार करते थे, जाके क्या की, पहले तो लड़की का शादी का व्यवस्था की, करोड़ोंपति जैसा शादी देता है वैसा अपना लड़की समझकर उसको शादी दिया, उसके बाद बिल्डिंग का व्यवस्था कर दिया। और गुरुजी के बोले गुरुजी, गुरुजी बोले तुमने बहुत सेवा किया, ना गुरुजी पैसा का तो तभी वैल्यू है,
हमारा ये पैसा है, हमारे संपत्ति क्या वैल्यू है अगर गुरु वैष्णव भगवान का सेवा में ना लगे तो, उसको तो क्या काम का है। बड़ा आशीर्वाद हुआ आपका, भले आपने वो माता जी का सेवा नहीं किया, आपने जो सेवा किया वो माता जी का सेवा नहीं किया, वो हमारा सेवा किया, वो सेवा हुआ हमारा। देखने में लगता माता जी का सेवा, वो हमारा सेवा कर दिया। ऐसा करके कई सेवा, एक दफे परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज एक जगह प्रचार करके एक जगह से जा रहे थे, गाड़ी में उठे, गाड़ी खड़ा हुआ, गाड़ी में खड़ी हुई है, उठने के समय में एक भिखारी है, रोते रोते आई बूढ़ी, आके बोला महाराज रुको थोड़ा, रुको थोड़ा। तो क्या बात है, मेरा पास कुछ भिक्षा है, आपको भिक्षा देंगे, बाकी जो सेवक है वो भैया भक् इधर से गाली देना शुरू कर दी। महाराज बोले रुको, क्या लाई हो? बोले मेरा जिंदगी का पूरा अमानती है, ये है पैसा, 98-94 सब है पैसा, माधो गुस्से मारा दे, भिक्षा दे, ले लिया। ये बोला वैष्णव, जंगल जंगल में प्रचार किए, किस इस बात को उठाए कि प्रहलाद महाराज सबसे बड़ा प्रचारक है, इस बात को क्यों उठाए? प्रहलाद महाराज का, प्रहलाद महाराज का कहानी में उठाए क्यों? जो श्लोक हमने उठाए ये बात इसमें आता है, जो श्लोक हम पहले शुरू किया वो श्लोक ही है, ये प्रमाण करता है प्रहलाद महाराज जैसा प्रचारक होना मुश्किल है। आसाम में गांव गांव पे प्रचार की, जंगल जंगल में प्रचार की, परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज, बामन गोस्वामी महाराज, ऐसा नहीं कि अमेरिका हो तो तब हम प्रचार करेंगे, नहीं तो प्रचार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। गरीब से गरीब, कुछ नहीं है, कुछ दे खाने के लिए कुछ नहीं, उस सब जगह प्रचार में किए, परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज, ये बामन गोस्वामी महाराज, कुछ नहीं है, एक बर्तन भी साबुत नहीं है, ठीक एक गरीब आदमी का पास गए महाराज प्रचार किए। एक दफे सेवक बोले 24 परगना में प्रचार में गए परम पूज्य बामन गोस्वामी महाराज, 24 परगना बंगाल में एक जगह, वो जगह प्रचार किया महाराज 5-7 दिन। प्रचार के बाद सेवक गुस्से में आके बोल रहा है गुरुजी इधर कभी प्रचार में नहीं आएंगे, इधर कभी नहीं आएंगे। गुरुजी बोला क्या हुआ तेरा? बोले महाराज कुछ नहीं है, प्रणामी प्रणामी कुछ नहीं है, बेकार खाली फालतू आ सामने आके। गुरुजी बोले तेरा तेलों के द्वारा प्रचार नहीं होगा, तू लोग प्रचार नहीं कर सकेगा, प्रचार तेरे द्वारा होगा नहीं, जो पैसा का चिंता है, प्रणामी कितना आया तो प्रचार कैसे करे तू, तेलों का द्वारा प्रचार नहीं, कोई दे ना दे ये लोग का इच्छा है, आ दे भी है ठाकुर जी का सेवा में लगा, हम तो खाएंगे नहीं। वास्तव संत एक पैसा खाता नहीं, किसी पूरा तोल के ठाकुर जी का सेवा में लगा, बात ये सब पैसा खाने से पूरा एकदम सत्यानाश हो जाए, इसको खाए पागल है, लेकिन मानता नहीं कोई। एक दफे एक ब्रह्मचारी बामन गोस्वामी महाराज को बोले महाराज जी प्रचार में आने से भजन नुकसान होता है बड़ा, प्रचार में आए तो बड़ा भारी भजन का बहुत नुकसान होता है। बामन गोस्वामी महाराज उसको पूछे भजन किसको बोला जाता है रे, किसका नाम भजन है? बोले महाराज नाम फाम सब करना। बोले देख गौड़िया मठ का साधु वो है जो प्रचार और भजन दोनों को एक उद्देश्य एक ही तात्पर्य जो माने। मेरा बात समझ में आए? आई बात समझ? कुछ नहीं आएगा, गौड़िया मठ का पहुंचा हुआ जो संत है वो समझेगा ये सब मेरा ये बात। हाँ भले गौड़िया मठ का भजन ऐसा है उसमें प्रचार जो है और जो तुम बैठ के नाम करो दोनों बराबर, ये समझो तो तुम गौड़िया मठ का शिष्य हो, गौड़िया मठ का साधु हो, नहीं तो गौड़िया मठ का नहीं। प्रचार और भजन दोनों एक तत्पर जो है, हम कोई नाम कमाने के लिए नहीं है, पैसा कमाने के लिए नहीं है, ठाकुर जी की इच्छा है कोई सेवा हो जाए इसका नाम प्रचार। हम अगर चीटिंगबाजी कर सके तो लाखों आदमी का चीटिंगबाजी कर सके, ठाकुर जी मेरा अंदर में ये पावर दिया
चिटिंगबाजी करने के भी पावर दिया और भजन करने के पावर दिया जिसको हम लगाए। हो सके तो लाखों आदमी को हम चीट बना दे, पूरा बोका बना दे, मेरा संभव है, अमेरिका रशिया कोई भी जाओ ठाकुर जी का इच्छा से, लेकिन हम किया नहीं। एक आदमी हमारा जिंदगी में अगर शुद्ध भक्त बने, एक आदमी, ज्यादा हम नहीं चाहता एक, तो मैं सोचूं कि मेरा ये जो कथा है वो सार्थक है। लेकिन लेने वाला तो हमको एक भी नहीं देगा, सब नाटक करता है, लेने वाला एक भी नहीं, एक भी नहीं मिला जो वास्तव ग्रहण करे। प्रहलाद महाराज जी का जो श्लोक देखे हम शुरुआत किया था, श्लोक का विचार सुनो, किस लिए हम ये बात को उठा। प्रहलाद महाराज का ये श्लोक आएगा इधर, जो प्रायः सारे साधु जो साधु संत है जंगल में चले जाते हैं, अपना अपना भजन लेके व्यस्त रहता है, और प्रहलाद महाराज बोले हम ऐसा मापिक स्वार्थी नहीं है, हे नृसिंहदेव हम स्वार्थी नहीं है इतना जो अपना भजन ही चिंता करे, किसी का मंगल का चिंता ना करे, ऐसा नहीं है। प्रायो न देव मुनयो सभी मुक्ति कामा मौनम चरंत विजने न परार्थ निष्ठ नई था न विहायो के प्रणान विमुक्ष एक नान्यम तदस शरणम भ्रमत अनुपस्य। ये जो असुर बालक सब है ठाकुर जी, ये लोग कौन उद्धार करे, हमको तुम उद्धार करोगे, हमारा उद्धार तो हो ही गया, हमारा उद्धार दोबारा तुम क्या करोगे ठाकुर जी, हमारा उद्धार तो हो ही गया, क्योंकि हमारा तुम्हारा भक्त जो प्रहलाद, तुम्हारा भक्त जो नारद जी का संग हो गया मेरा, हमारा उद्धार तो हो गया, तुम्हारा भक्त जो नारद है नारद के साथ मेरा संग हो गया, प्रवचन सुना हमको सिखाया सब कुछ, तो उद्धार हो गया। तुम अगर बोलो कृपा लो उद्धार करने, तो ये असुर वालों जो है सबको करो। दशम स्कंद जब शुरू करे, गंभीर चर्चा के लिए गंभीर परिवेश चाहिए, गंभीर चर्चा के लिए, नहीं तो स्फूर्ति नहीं होता। राधा रानी इतना बड़ा आचार्य, कितना बड़ा आचार्य है, स्वयं राधा रानी इतना बड़ा आचार्य है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में राधा रानी एकमात्र। कृष्ण को पकड़ के बोलता है कृपा करना है तो करो, कृपा करना है सबको करो, कृपा करो, राधा रानी तो किरा, राधा रानी की कृपा के द्वारा ही तो हमारा कृपा मिल रहा है, नहीं तो श्याम सुंदर को पकड़ना किसी का बस का काम नहीं। श्याम सुंदर के बस में लाए किसी बाप का हिम्मत नहीं, एक राधा रानी है गाढ़ पकड़ के बोले कृपा करो सबको जाओ, एक राधा रानी है, इसका बारे में खोपड़ी में नहीं आएगा। सारे दुनिया का कचरा भरा हुआ है ये जो खोपड़ी है, ये खोपड़ी में दुनिया का कचरा भरा हुआ है, इसमें शुद्ध गुरु विष्णु को बातें घुसेगा नहीं, कचरा दुनिया का कचरा जाते तो सब बड़ा हुआ है, होगा नहीं ये सब। तो कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भगवता निहो दुर्लभम मानुषम जन्मन तदपि अध्रुवम अर्थदम। दोस्तों सुनो, ये बचपन में ही भजन शुरू होनी चाहिए, इट्स अ मास्ट, होनी चाहिए। आज दुर्लभ मनुष्य जन्म तो दुर्लभ है, अब इस जन्म के बाद मनुष्य जन्म मिले कि नहीं कोई ठिकाना है नहीं, और ये मनुष्य जन्म मिला ये अध्रुव है, ये रहेगा नहीं ज्यादा दिन, और ये मनुष्य जोनि जो मिला है, जो सुंदर शरीर, इतना सुंदर आंखें कान नाक हाथ पा, इसके द्वारा सेवा का अवसर हो सकता, अवसर मिले सेवा का। अर्थदम मतलब है इसका वैल्यू है, ये शरीर जो है इसका वैल्यू है, इसका पैसा कमाने में वैल्यू नहीं है, हमने बहुत पैसा कमाया हमारा वैल्यू है, वैल्यू नहीं है। आजकल संत समाज में ये विचार फैल गया, जिसका पास पैसा है जो फॉरेन में जाता है वही साधु है, बाकी कोई साधु नहीं, सब मूर्ख गाधा है गाधा, जो जितना फॉरेन में गया वो उतना बड़ा साधु है, उतना पैसा है वो उतना बड़ा साधु, उसका सामने सर झुका है, पैसा है तो सर झुका नहीं पड़ेगा, ऐसा विचार है, पूरा समाज व्यवस्था एकदम शेष। ये अर्थदम मतलब ये शरीर के द्वारा बड़ा भारी सेवा बन सके, इसका नाम है अर्थदम, अर्थोदम परमार्थदम।
परम अर्थोदम, अर्थोदम मतलब अर्थ देने वाले। कौन सी अर्थ? बोले अर्थ तो तुम एक ही जानते हो, वही जो पांच, जो धर्म अर्थ काम मुख्य, यही तो जानते हो। धर्म भी धर्म अर्थ काम मुख्य, इसी को तुम्हारा यही मानते हो। परम अर्थ जो है इसका बारे में किसी का कोई होश ही नहीं है, होश नहीं है। अब बोले देखो ये हरि भजन जो है इतना बहुत सरल है। प्रहलाद महाराज जी बोले देखो कई देव देवता का पूजा करने जाओ तो बड़ा मुश्किल है, मार्केट से बाजार से ये लाओ वो लाओ ये लाओ तब पूजा होगा, मार्केट से ये लाओ वो लाओ नहीं तो पूजा नहीं होगा। लेकिन ठाकुर जी का भजन ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है, हम भिखारी है अगर ऐसा फिर भी ठाकुर जी का भजन हो जाए, देवता का भजन ऐसा नहीं होता। इससे बोले सुख, बोले देखो बोले ये जो जद एसो सर्वभूतानां प्रियः आत्मेश्वर सुहित, सर्वभूत हृदय में साक्षात भगवान बैठा हुआ है, बस आंखें मूंदो और आंखें खोलो जैसे भी हो, ठाकुर जी का चिंतन करो, मानस में फूल चढ़ाओ, कुछ भी करो, बस हो गया। बोले जैसे हर भूत हर अवस्था में हर जगह ठाकुर जी है, तो इससे ठाकुर जी का भजन बड़ा इजी है। हे असुर, असुर वालों को बोला बोला हे दोस्तों सुनो, सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देहो जोगे न देही नाम सर्वत्र लभते दैवाद यथा दुखम अजत्नतः। तुम सुख और सुविधा, तुम सुख और सुविधा में उलझे हुए हो, कैसे मेरा सुविधा हो, कैसा मेरा सुख हो। लेकिन हे दोस्तों सुनो, जिसका तकदीर में लिखा हुआ है ना, वो सुख सुविधा ऐसे ही मिलते रहे। तुमसो तुमको सिर्फ अपना जिंदगी को भजन में लगाना है, स्वाभाविक प्रचेष्टा करो, तुम्हारा तकदीर में है तो होगा ही। हमने देखा अपने जिंदगी में, भिखारी का लड़का, गरीब ब्राह्मण का लड़का, किसी का कोई पुत्र नहीं कुछ नहीं है, उसको लेके गया और करोड़ों करोड़ों जायदाद का मालिक बन गया। सुख अगर तुम्हारा तकदीर में लिखा हुआ है, कहीं भी रहो सुख मिलेगा ही। जैसे कुत्ता का उदाहरण दिया, उदाहरण दिया मेडिसिन कंपनी का सब मालिक, हम तो हैरान हो गए। अलीपुर में उसका बिल्डिंग है, मेडिसिन कंपनी का डायरेक्टर है मालिक, छ कुत्ता रखा है, छ कुत्ता छ देश का, एक एक कुत्ता का लिए एक एक टेम्परेचर है, एक एक खाना है, एक एक मास्टर है। हम बोला कितना ये नहाने के लिए आदमी है, मेडिसिन दे उसको कुछ ना हो जाए, बाप रे। हम सोचे देखो इतना गरीब घर का लड़का है, बच्चा है, उसका तो उसको देखने वाला कोई नहीं, क्योंकि उसका तकदीर ही फूटा है। आ कुत्ता का तकदीर ऐसा है, कुत्ता कुत्ता बन के आया है, लेकिन उसका जो एंजॉयमेंट है वो पूछो मत। पैसा कुत्ता भी कमाता है, कुत्ता कमाता नहीं है, पैसा कुत्ता भी कमाता है, आदमी कमाता है, कुत्ता कमाता नहीं है, तुमसे ज्यादा कमाता है, तो तुम्हारा वैल्यू कहाँ है? लोग कहाँ महाराज कुत्ता कमाता है? भले इंग्लैंड में जाओ, इंग्लैंड इंग्लैंड में जो पुलिस डिपार्टमेंट है, इंग्लैंड में जो पुलिस डिपार्टमेंट है वहां स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड का नाम सुना? स्कॉटलैंड यार्ड में जो कुत्ता, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उसका एक एक कुत्ता जो तनख्वाह मिलता है तुम्हारा मिलेगा नहीं, तुम सारा जिंदगी में इनकम नहीं कर सकोगे। स्कॉटलैंड यार्ड, वो कुत्ता को छोड़ देना, पूरा समाधान करके आ जाएगा, जितना केस है, कौन खून किया क्या किया, सारे एकदम एकदम पकड़ के ले आएगा, वो कुत्ता का कितना तनख्वाह है। तो क्या हम सोच ले कि जिसका पास पैसा ज्यादा है उसका वैल्यू ज्यादा है? कभी हम इतना भूखा नहीं है, हमारा गुरु जी इतना हमको सिखा दिया है, हमें देखते नहीं है सब विषय पे। देखो डॉक्सो होता है ना, डॉक्सो कलकत्ता में, बॉम्बे में, डॉक्सो में एक एक कुत्ता जो फर्स्ट प्राइज मिलता है उसको 10 लाख 15 लाख 20 लाख, जो डॉग जो शो में फर्स्ट हुआ उसको 10 लाख 20 लाख मिल जाता है रुपया,
और भी ज्यादा। तो क्या हम सोच रहे कि वो कुत्ता बड़ा है, ये साधु के पास पैसा नहीं तो साधु कम है, कन कीमत है। इसलिए संत महात्मा लोग हर जगह जाता नहीं, पहले आदमी भेजता है जाके देखो मेरा जाने का वो परिवेश है कि नहीं। अगर वो गाधा है वो समझ नहीं पाता, बेच के कोई फायदा नहीं। अगर समझ पाता वो जागा जाना ठीक नहीं, वो जाता ही नहीं। इसलिए आदमी भेजता है, पहले जाओ कथा का परिवेश है कि नहीं, कुछ है देख के आओ, तभी कथा होगा। मेरा हिम्मत नहीं कि जोर जबरदस्ती कथा बोले, कथा का परिवेश हो, स्थिति हो, निर्मत्सर परिवेश हो, कथा अपने आप स्फूर्ति हो, जंगल में चलो बैठो देखो। तो ऐसा जो है सुखम इंद्रियकम, देखो ये जो हमारा इंद्रिया है, ये इंद्रियो हमारा गर्म ना लगे, कूलर चला दो, एसी चला दो। हमको वृंदावन में भजन की जंगल में, वहाँ कई आदमी मेरे को डिस्टर्ब करता था कि बाबा इधर क्या भजन कर रहे हो, उधर चलो, हम एसी का हम तुम्हारा कूलर लगा देंगे, सब व्यवस्था कर देंगे, हम कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको। बार बार आके जो गांव में भजन कई जाएगा, एक जगह तो ज़्यादा डिस्टर्ब किया, बार बार आके हमको बोलता बाबा एक नंबर बता दो, हमको बार बार एक बार बोल रहे रोज भिक्का लेने इधर उधर। रास्ता में देखा बाबा एक नंबर बता दो, नंबर बता दो, हमको समझ में नहीं आया। बाद में एक ब्रजवासी को पूछे महाराज हमको बार बार ये क्यों बोल रहा है, देखा होने के बाद बोल रहा है नंबर बता दो। तो बोले बाबा आप जानते ना, सरल आदमी हो, वो सट्टा खेलता है, जुआ खेलता है, तो एक नंबर बता दो, उसी नंबर पे वो जुआ खेले और उसका लाभ हो जाए। हमने देखो हाय राम हाय राम, सर नंबर बता दो, नंबर बता दो, क्या नंबर बताए हम, कीपा कर दो, नंबर बताओ, क्या नंबर बताए। उसके बाद वो चक्कर में आया, और एक बात बोले उधर, बोले बाबा हमारा उधर चलो कूलर लगा देंगे, एसी लगा देंगे, गर्मी का मौसम में भजन करो। हमने हमारा तो इधर आरामी है, कोई बात बगीचे में कोई असुविधा नहीं है, जोर जबरदस्ती। हम बोला नहीं, हम बोला एक आदमी को पूछो जोर जबरदस्ती क्यों कर रहा है, बोला महाराज इसका पीछे कारण है, वो जो बिल्डिंग है उसमें वो जो मैया है उसका जो डेवर डेवर वो बहुत बदमाश करते थे, इतना बदमाशी सारे पैसा जुआ आदि फूंक देते थे, और किसी भी कारण किसी के द्वारा उसका मत हो गया, माने शायद हो सकता कि वही बीज दे दिया, ये बदमाश कर मर जा, वो प्रेतात्ता बन के उधर है, तो आपको उधर भजन के लिए नहीं जा रहे, वो आप नाम करोगे प्रेतात्ता चला जाएगा। प्रेतात्ता को उधर करने के लिए आपको बार बार बोल रहा है उधर जाके भजन को सारी सुविधा दे देंगे। हम बोला हाय राम, हमको सब यूज करना चाहता है, गुरु वैष्णव का सेवा करना और गुरु वैष्णव को भोग करना दोनों बराबर नहीं। एक है गुरु वैष्णव को हम भोग करेंगे, उसको यूज करेंगे, करके अपना सुविधा करेंगे, यह है गुरु वैष्णव को भोग, वो जिंदगी में पाखंडी बन जाएगा, आदमी नहीं रहेगा, साधु तो दूर की बात है, पाखंडी बन जाएगा। गुरु वैष्णव को एंजॉय करेंगे, भोग करेंगे, गुरु वैष्णव को भोग का वस्तु नहीं है, ये तुम्हारा इच्छा तुम भोग कर लोगे, सौराड वस्तु है, वो चाहे तो सब दुनिया का सब फूक फाक के चले जाए, और हो सके तो राजगद्दी में बैठ के हरि कथा बोले, कुछ बिकार नहीं है, किसी अवस्था में उसमें रखो कुछ नहीं होता। तो प्रहलाद महाराज जी ने हमने देखा टालीगंज में, कलकत्ता टालीगंज में एक नापित है चूल काटने वाले, वो चूल काटने वाले हैं, हम तो छोटे हैं बच्चा, उस समय में अकबर पे आए वो चूल काटने, बहुत गरीब है, उसको करोड़ों रुपया का लॉटरी मिल गया, करोड़ों रुपया का लॉटरी, वो चूल बाल कट के, बाल कटना बंद हो गया, सैलून बंद, लाल झंडा। तो किसका तकदीर में क्या है ये आप क्या करोगे, वो तो बोल नहीं। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे अपना सुख अपना सुविधा के लिए चिंता मत करो, अपना सुजो सुविधा आदि कुछ नहीं होगा, ये इंद्रियों का जो सुख है अगर तुम्हारा तकदीर में है तो वो अपने आप आ जाएगा, अगर नहीं है, अगर अगर तकदीर में अपन नहीं है करोड़ रुपया का संपत्ति मिलने के बावजूद
अब फाका हो जाएगा, हो गया ना, होगा। एक उदाहरण दे दे, समझ में आएगा आपको। बोले एक लंगड़ा आदमी था, ये सब घटना बोल रहा है प्रहलाद महाराज का, ये घटना को समझाने के लिए। एक लंगड़ा आदमी था, एकदम लूड़ा, चल नहीं सकता, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई किया, वो जो एजुकेशन उसका है, एजुकेशन बहुत किया, लेकिन वो चल नहीं सकता, इनकम करे वो संभव नहीं। और उसका जो बुआ जी है, उसका जो बुआ जी है, बुआ जी बड़ा धन दौलत बहुत है, लड़का लड़की नहीं है। वो बुआ जी सोचे कि इसको ही हम जाने का टाइम में सारे संपत्ति इसको ही लिख के दे जाए, क्या होगा, ये अपाहिज है, अपाहिज है, इसको ही हम लिख के दे जाए, ऐ तेरे को ही लिख के दे जाएंगे तेरे को, क्योंकि तेरा देखने वाला कोई नहीं, बैंक का हमारा जो अमानत है और जो बिल्डिंग है सब तेरा हमें लिख के दे जाएंगे। तो बुआ जी ऐसा बोले, अपना तो कोई लड़का लड़की है ही नहीं, तो क्या की, पूरा बुआ जी वकील को बुलाए, बोला हम ऐसा ऐसा संपत्ति हस्तांतर देना चाहता है। तो वकील ने सारे लिख के उसका विल कर दिया। विल जो है, इच्छा हो तो विल चेंज भी कर सकता, अपना जिंदगी में अगर विल हमने बनाया, तुमको अच्छा नहीं लगा, तुम्हारा कैरेक्टर हमें अच्छा नहीं लगा, हम विल चेंज भी कर सकता, मेरे नियम है, विल का ऐसा नियम है। तो अंतिम समय है बूढ़ी का, अंतिम समय 90 साल का उम्र हो गया, मरने वाली है, तो वो विल बना दिया। विल बना के वो बोला, बुआ जी बोले देख तेरा नाम पे सब कर दिया, अभी इधर है, मैं जब जितना दिन तक जिए जितना दिन तक, बस उसका बाद तेरा हो जाए। अब ये इतना बदमाश है, लंगड़ा है, इतना बदमाश है, बाहर में तो बहुत मीठा बात करता है, इससे मीठा बात कोई, जो मीठा बात करता है ना, जो आदमी देखोगे वो रहा शैतान, मीठा बात बोली बोलने वाला आदमी को विश्वास मत करो, उसका एक ही संपत्ति है मीठा बात और कुछ नहीं है, सारे तुमको चीट करे। हाँ, वो क्या करे, मीठा मीठा बात बोल, बुआ जी आप ही तो मेरे भरोसे हो, जाने का क्यों बात कर रहे हो, अब जितना जिन जियो तो अच्छा है मेरा लिए, आपका चरण छाया में जय जिए, बदमाश। और अंदर में चिंता करते, बूढ़ी कैसे मरे, कब मरे, कितना जल्दी मरे, कि हो सके कि हमारे ऊपर गुस्सा हो गया, विल चेंज कर दे तो फिर क्या होगा, हो सके ऐसा, मेरा नाम पे तो कर दिया, विल चेंज करे। तो उन्होंने क्या किया, वो मेडिकल पढ़ा था, मेडिकल, लेकिन अपाहिज है, कुछ नहीं कर पाया। उसको याद है, वो किताब को छानबीन कर देखा, ये आदमी सोया हो, आदमी को पानी या कुछ भी चीज, उस वेन एक तो सीरा है, नस है, उस नस में अगर इंजेक्ट करे तो हार्ट फेल हो जाए। उसको याद हो गया, उसको पेंसिल देकर, रेड पेंसिल देकर दाग दिया, बोला हम पॉइजन पॉइजन कुछ नहीं देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, बूढ़ी सुहा हुआ है, उसको जाके सिरिंज, उसको तो अभ्यास है, देखिए उसी जगह वो पानी को तुरंत इतना जोर से इंजेक्ट किया, बूढ़ी हार्ट फेल मर गया, बड़ी बूढ़ी मर गया। बूढ़ी मर जाने का बाद अब क्या हुआ, बूढ़ी कैसे मरा, कोई रिलेटिव है, वो जो लंगड़ा है उसका भाई भाई, उसका डाउट हुआ, क्योंकि उसका एक्टिविटी अच्छा नहीं लगा, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट का आदमी को बुलाया और बोला बड़ा भारी डिटेक्टिव, पूरा छानबीन किया, बूढ़ी का मरने का कोई बात ही नहीं, कैसे मर गया। बाद में डिटेक्टिव डिपार्टमेंट का आदमी, वो लंगड़ा जो है लंगड़ा का घर में गया, वहाँ बड़ा पढ़ा लिखा करते हो, बड़े कितना सारे किताब है, बोल के एक किताब जो है मेडिकल का उसको उठाया, उठ के ऐसा ऐसा करते करते देखे एक जगह लाल मार्क है, वो देखा इधर लिखा है इस जगह अगर इंजेक्ट करे तो तुरंत, बस एक क्लू को लेके उसको पूरा पकड़ दिया, बस मर्डर केस में उसको 12 साल का पूरा एकदम उसका ऑर्डर हो गया। तो देखो संपत्ति मिले हुए है, संपत्ति मिल गया था ना, लेकिन तकदीर में नहीं, पूरा चला गया संपत्ति। ये प्रहलाद महाराज की जो बात है इसको साबित कर, वो तो मर्डर किया, फांसी में चढ़ाओ उसको, फांसी में चढ़ाओ। इसे प्रहलाद महाराज के ये बात कितना सच्चा है, आप ठंडा दिमाग से बैठो एकांत में,
बैठ के चिंता करो। इसे भागवत का शिक्षा जो है, सुखम इंद्रियकम दैत्यादेह योगेन देही नाम सर्वत्र लभते दैवाद यथा दुखम अयत्नता। प्रहलाद महाराज कहते हैं हे दोस्तों देखो, किसी आदमी का जिंदगी में आप देखा है कभी कि कोई दुख को तुक मांगता है? एक एक तुम्हारा कुंती देवी छोड़कर किसी ने दुख मांगता नहीं। समाज संसार में सब चाहता है कि दुख को हटाओ और सुख को लाओ, लेकिन फिर भी उसका तकदीर में अगर है तो दुख आ ही जाता आता ना। प्रहलाद महाराज बोले दुख को क्या बुलाया था, नौता दिया था दुख आओ कुछ नहीं बोला, फिर भी दुख आए क्यों? बोले उसका तकदीर में है। जिसका बारे में काल गोवर्धन पूजा में बताया सुखम दुखम भयम खेमम कर्म नहीं भव अभिपद्यते। किसी का करने का कोई हिम्मत नहीं है, कोई भी कुछ करे, पैसा भी रखे कुछ भी रखे। हम तो अमानत कुछ नहीं रखा, ठीक भी हमारा जिंदगी चल रहा है ठाकुर जी का। कभी ये नहीं सोचा कि हमारा तबीयत खराब हो जाए कौन देखे, कभी सोचा ही नहीं, दूर जाए तो जाए। ऐसा है। शिक्षा देते देते प्रहलाद महाराज बोले देखो तत्प्रयास न कर्तव्यो यतो आयुर्वय परम न तथा बिंदे तो बिंदते न तथा बिंदते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम तत्प्रयास न कर्तव्य यतो आयुर्वय परम। जिंदगी में एक पल भर बेकार नष्ट ना करो। जिंदगी में एक पल भर अच्छा अच्छा खाओ और फिर नींद आ जाएगा, सो जाओ, आरती देख के फिर सो जाओ, फिर सो, फिर खाओ, फिर सो जाओ, ऐसा करो तो भजन हो जाएगा, ठाकुर जी मिल जाएगा। यही तो मेरा जिंदगी है ना, खाना और सोना। इसीलिए मेरा जिंदगी तो यही है, खाना और सोना, अच्छा खाओ और अच्छा सो जाओ, बस हो गया, भजन हो जाए, ठाकुर जी मिल जाएगा। गर्मी लगे तो एसी चला दो, ठाकुर जी मिल जाएगा, कोई चिंता नहीं। एसी ट्रेन में जर्नी करने का टाइम में सब विषय ही लोग आदमी है हमारे ऊपर हंसता है, बाबा कहां से आया है, कोई कंबल फंबल कुछ नहीं, हटाओ चा। हमारा सीट को साफा करके बैठ जाते, बोले कुछ पानी देता है, खाला देता है, कुछ प्लेन में भी कुछ खाता नहीं। गुरु जी के साथ गया था, बोले फक ले जा भगा देते, बोले कहां से आया है, आश्चर्य लगता है वो लोगों। ये शुद्धता तुम बजाय नहीं करोगे तभी कभी ठाकुर जी नहीं मिलेगा, होता नहीं। और जब परमांशु उच्चा दशा हो जाता है तो ऐसा ऐसा साधु है जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज आदि, ये लोगों का विचार अलग है, ये सब विचार अलग है जो भी है। लेकिन तत्प्रयास न कर्तव्य, तुम्हारा जो प्रयास है देखो ऐसा प्रयास मत करो जिसमें जीवन जिंदगी बर्बाद हो जाए। बेकार टाइम को खराब नहीं करना चाहिए। तत्प्रयास न कर्तव्य यतो आयुर्वय परम, जैसे आपका आयु का क्षय हो जाए ऐसा कम नहीं करना। हर वक्त जो भी कुछ करो अंतर में, कभी कभी बाहर में व्रत पालन करना कठिन, कठिन मतलब अनुकूल नहीं है, समझ के अंतर में व्रत पालन, बाहर में दिखा के उपाय नहीं, जो चाहिए जो एनवायरमेंट चाहिए होगा नहीं, वो जानता है बेकार समय खराब, अब व्रत उल्टा हो जाएगा। इससे विचार करके चलता है, हरि कथा ही कीर्तन ये करते रहो। और प्रहलाद महाराज जी बोले ये संसारी आदमी देखो बचपन में जो हमारा भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कीर्तन में बोला कमे दिने दिने बालक होइया खेनिनु बालक समो आर किछु दिने ज्ञान उपजिलो पाठ पढ़ी अहरह। कितना सुंदर, होते होते जब जवानी आया उसके बाद शादी हुआ, बस मजा हुआ कुछ दिन, उसके बाद फिर बुढ़ापा आया, बाल बच्चा पैदा, पोता पोती आया, बस उसका बाद शमशान में राम नाम सत्य है। यही तो जिंदगी है, यही तो जिंदगी है हमारा। जन्म हुआ तो ऐसा कुछ करके जाना चाहिए जैसे समाज का आदमी, संसार का आदमी जब भी अकेल आए तो सोचते रहते जो महाराज कैसा है वो आदमी। इससे
तुलसीदास जी भी सुंदर बहुत सारे कीर्तन में लिखे हैं बहुत सारे चीज, और बाकी दूसरे संप्रदाय का आदमी भी बहुत, वो सब तो समाज का ये सब छोटे छोटे विषय में जो सिद्धांत है थोड़ा ज़्यादा कुछ हेर फेर नहीं है, लेकिन शुद्ध सिद्धांत में सिद्धो सिद्धांतों में बड़ा हेर फेर है। हम दूसरे संप्रदाय का ज़्यादा उठाते ही नहीं बात, तुलसीदास जी तो कोई असुविधा नहीं। चलो बाकी ये जो है इधर बोले ऐसा करते करते बाद में संसार में फंस जाते हैं, और उसके बाद वो संसार से छुटकारा मिलना बड़ा मुश्किल है। संसार से छुटकारा ही मिलेगा नहीं। प्रहलाद महाराज ने बोले देखो ये जो सुंदर बातें तोतली बातें बोलते हैं, बच्चा बच्चा बोलता है ना कितना सुंदर, दादा दादा बब्बा बब्बा पप्पा ये कहते हैं कितना सुंदर लगता है। भले महाराज मेरा शादी करना सार्थक है, ये सब प्यार जो है गोदी में लेके कितना मजा हो रहा है, और बीवी जब ऑफिस ऑफिस जाने का पहले बीवी का साथ बड़ा झगड़ा हो गया, बेकार हुआ संसार करके तेमरा तुम्हारा साथ। बाकी जब ऑफिस ऑफिस से आए, ऑफिस आने के बाद बीवी क्या की, एक प्याला चाय लेकर वो आए हो ऑफिस से, प्याला चाय दिए और जूतों को सब व्यवस्था कर दिया, तब वो झगड़ा फगड़ा सब खत्म, मीठा बातें करने लगा बैठ के। प्रहलाद महाराज ये कहने लगे संसार संसारी व्यक्ति का स्वरूप। प्रहलाद महाराज कहे कथं प्रियाया अनुकंपिताया संयम रहस्यम रुचिरांश मंत्रा, कथं प्रियाया अनुकंपिताया संयम रहस्यम रुचिरांश मंत्रा। जब काम धंधा से आए इतना खाट पीट के, तो आए बीवी अगर सामने बैठ के थोड़ा दो चार मीठे बातें बोले, मुठा बात बोली तो अच्छा लगे, एक प्याला चाहे और तो गर्म पानी का व्यवस्था ठंडा कुछ भी सब व्यवस्था हो जाए कितना सुंदर, और फिर खाने का व्यवस्था तो हो ही गया, तब लगता है कि महाराज संसार ठीक ही किया गलत नहीं किया। कथं प्रिया या अनुकंपिता या संयम रहस्यम रुचिरांश मंत्रान, बैठ के जब पति पत्नी अंत एकांत में बैठ के गुप्त गुप्त बात सारे कहते हैं एक दूसरे के साथ, तो कितना सुंदर शोभा देता है संसार का। और इसके बाद सुहृत सु तत्स्नेह हसीत शिशूनाम कलाक्षरानाम अनुरक्त चित्त, और जो बच्चा है वह अगर दौड़ के आए पापा पापा बोल के तो उसको गोदी में लेके दो चार चुम्बन दे दे, तो ऑफिस में गए तो इतना परिश्रम सारे उसका बैलेंस हो गया, अब तो कोई टेंशन नहीं सब हो गया, बच्चा आया दौड़ से पापा आए हो बोल के गोदी में लेके बस हो गया। सुहृद और स्नेहों के द्वारा प्रीति के द्वारा इतना बंधन है, शिशु नाम कलाक्षरान बच शिशु नाम कलाक्षरानम अनुरक्त थिया, ऑफिस में जाए ऑफिस में जाके हमने देखा एक बड़ा प्रोफेसर है वो कलकत्ता में रहते थे, हम उसके पास जाते थे किसी समय हमको बुलाते थे, एक दिन जाके देखे वो प्रोफेसर साइंटिस्ट भी है रिसर्च भी करते हैं, बोला आपको आप आपको आपको आज आपका आज का मूड ऐसा क्यों है अच्छा नहीं लग रहा। बोले महाराज क्या कहे हमारा लड़की जो है बड़ा बीमार पड़े बहुत दिन से, और सुस्त नहीं सही नहीं हुई सही नहीं हुई, तो लड़की असुस्त है उसका ऑफिस में जाके भी उसका टेंशन क्या होगा, कल्याणी यूनिवर्सिटी में ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट फिजिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर नाग था और सब, देखो कलकत्ता से जाते और ऑफिस में मन नहीं है कुछ काम करने का इच्छा ही नहीं होता है, तनख्वाह ले रहा है तनख्वाह तो देगा सरकार लेकिन काम करने का कोई इच्छा नहीं है, बीवी है वो अपना जो लड़की है असुस्त है एकमात्र लड़की, अब क्या कहे। तो स्नेहों के द्वारा ऐसे बाइंडिंग होता है ऐसा लॉकिंग होता है, हम तो पंजाब में तो पंजाबी लोग है ना, हम बोले काठिया जी बोलो कैसा बंधन है, ना तो रस्सा का बंधन है ना तो सिकली है कुछ नहीं है, ये कैसा बंधन है ये कैसा बंधन है जो आपको वो हंसते रहते कैसा बंधन है, देखो ना तो रस्सी है ना तो सिकली है कुछ नहीं है
सिकल भी नहीं है। और देखो कैसा बंधन, घूम फिर के ठीक उधर ही जाना है, घूमे फिरे सारा दिन उधर ही जाना है, कहां जाएगा। कथंग प्रियाया अनुकंपिताया संयम रहस्यम रुचिरांश मंत्रान सुहृत्सु तत्स्नेहो हसीतो हसीतो शिशु नाम कलाक्षारानम अनुरक्त धिया। ऐसा करते करते बहुत सारे सुंदर प्रहलाद महाराज का शिक्षा का बारे में मैं तो इतना तक कहे कि चैतन्य महाप्रभु नीलाचल धाम पे जब लीला रचाए ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज का चरित्र तो बार बार पाठ करो, इस बारे में हम कहेंगे सायंकालीन अधिवेशन में। प्रहलाद महाराज बोले दोस्तों देखो ये जो प्रभु ठाकुर जी स्वयं स्वराट पुरुष जो, इसके भजन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बोले क्यों? बोले ये तो स्वाभाविक है। नहि अच्युतम प्रणयतो बहवायासो सुरात्मजहा आत्मोत्तात् सर्वभूतानां सिद्धित्वात् इहो सर्वतः। हे दोस्तों एक कृष्ण को ठाकुर जी को स्वयं स्वराट पुरुष जो ठाकुर जी परमात्मा को संतुष्ट करना एक बड़ा बात नहीं है। क्यों? बड़ा इजी, बड़ा सही ढंग से हो जाए, बस सीधा, बस सीधा बात ही खोपड़ी में नहीं आता। भगवान कृष्ण को प्राप्ति करना सबसे सीधा जी, कोई हमको पूछे कि मुझे दुनिया में सबसे सीधा सीधा काम कौन है, कोई हमको पूछे महाराज दुनिया में सबसे सबसे सहज काम क्या है, हम बोले भजन करना, बोले महाराज पागल हो गया है, महाराज का दिमाग खराब हो गया। दुनिया में अगर सबसे सहज काम है तो हरि भजन करना, वही हमारा खोपड़ी में नहीं आता, सबसे कठिन लग के बैठ गया, सबसे इजी। क्योंकि अंतकरण जो है जब तो सीधा नहीं बना तब तो हरि भजन नहीं होगा, और सीधा तुम बना नहीं सकोगे, होगा ही नहीं। अंतकरण जो सीधा हो जाए, सीधा जान तो सरल सरल हईले गोरा सिक्का बुझिया लेवे, जब सरल हो जाओगे अंतर में कोई टेढ़ा नहीं है तो गौरे सिक्का तुम्हारा समझ में आ जाएगा। तुम कभी भी सरलता नहीं सरल तुम हो नहीं पाओगे और कृष्ण नहीं मिलेगा, दोनों ही बराबर। देखो सरल हईले गोरा सिक्का बुझिया लेवे, सरल हो नहीं पाओगे जिंदगी भर और गौर मिलेगा भी, कितना सीधा बात है। भले ये जो देखो अच्युत भगवान जो है परमात्मा ठाकुर जी को प्राप्त करना आसानी से हो जाता है, ये कोई ज्यादा कोई कष्ट नहीं है। नहीं अच्युतम प्रणय तो हवायासो असुरात्मज है, हे असुर वालों को बड़ा इजी है ये, क्योंकि आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धित्वात् इहो सर्वतः, सारे तमाम वस्तु में हरि वस्तु हरि उपस्थित है। ऐसा कोई जगह बताओ जहां हरि नहीं है, तुम्हारा अंदर में हरि है, इसका अंदर में हरि है, सबका अंदर में हरि हरि है, बैठा हुआ है। बताओ हरि भजन में ठाकुर जी को प्राप्त करके हम बैठे हुए हैं, ठाकुर जी को प्राप्त करेंगे नहीं, ठाकुर जी को प्राप्त करके बैठे हुए मेरे हृदय में है, प्राप्ति करके ही बैठे, सिर्फ अनुभव में उतारना है इस बात को। ठाकुर को प्राप्ति करके ही बैठे हो, सिर्फ इस बात को डायरेक्ट रियलाइजेशन अनुभव में उतारो ये ठाकुर जी को प्राप्ति करके बैठे हो, इस बात को अनुभव में उतारो, अनुभव करो तब समाधान हो जाएगा। इसके बाद ये सुंदर उपदेश किए प्रहलाद जी महाराज, कहते रहे बहुत सारे गुणावली सारे बोलते रह गए। तुष्टे च तत्र किमलब्धम् अनन्त आदे किं त्वैर्गुण व्यतिकरात् इहो जिषा सिद्ध्वा धर्मादयोः किमगुणेन च काङ्क्षितेन स्वारं जुषां चरणोपुगायताम् न। बोले देखो तुष्टे च तत्र किमलभ्यम अनन्त आदे किं त्वैर्गुण व्यतिकरात् इहो जिषा सिद्ध्या तुष्टे च तत्र किम। अगर ठाकुर जी संतुष्ट है, संतुष्ट हो जाए गुरु वैष्णव संतुष्ट हो जाए तो कहना ही क्या है, हमारा कुछ बाकी रह जाएगा, बाकी कुछ रह जाएगा।
अगर ठाकुर जी स्वयं संतुष्ट है तो उसमें कुछ बाकी रह जाएगा क्या? कुछ नहीं बाकी रह जाएगा। ठाकुर जी स्वयं संतुष्ट हो गुरु वैष्णव। जब रघुनाथ दास गोसाई घर से भागे नीलाचल क्षेत्र, तो उसके पिता करोड़ों करोड़ों रुपया का मालिक, करोड़ों कितना करोड़ रुपया का मालिक वो जानते ही नहीं। रघुनाथ दास गोसाई का पिताजी बड़ा दुखी बन गए। हिरण्य गोवर्धन बोल, लड़का एक लौता बेटा है और चला गया चैतन्य चरण में, उसको लाना संभव नहीं है। बहुत कोशिश किया, हजारों बार भागने का कोशिश किया, लेकिन वो अंतिम में जब भाग गया तो उसको ले आना संभव नहीं। तब बोले एक काम करो, दो पांच नौकर को, दो पांच जो नौकर है, बहुत सारे ढेर सारे पैसा दे दिया, पर जाओ वो पुरी में रहता है, पुरी में जाके तुम भी किराए पे मकान ले लेना और पैसा को लेके उधर बैठ जाना और खाना पीना खा लेना, और हमारा लड़का का कभी कोई चीज का जरूरत पड़े ये पैसा से समाधान करना। और रघुनाथ गोसाई इतना बड़ा वैराग्य है, किसी का कुछ नहीं ले, चाहे मर जाए लेंगे नहीं कुछ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का निमंत्रण करते थे, कभी कभी चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण करके खिलाते थे, जगन्नाथ मंदिर से प्रसाद लाके खिलाते थे, और कभी कभी खुद भी कुछ व्यवस्था करते थे। एक दफे निमंत्रण बंद कर दिया, निमंत्रण बंद कर दिया, निमंत्रण नहीं किया। और दो चार महीना बाद महाप्रभु स्वरूप गोसाई को पूछ रहे, स्वरूप ये रघुनाथ मेरे को निमंत्रण करना बंद क्यों कर दिया, ए इसका पीछे क्या कारण है? तो स्वरूप गोसाई बोले, प्रभु बहुत दिन हो तो आपको थोड़ा निमंत्रण करके खिलाया, बाद में सोचा हम तो जोर जबरदस्ती प्रभु को खिला रहे हैं, इसमें ठाकुर जी संतुष्ट नहीं है, इससे हम निमंत्रण नहीं करेंगे। ये विषय जो कमाया हुआ पैसा हमारा पिता और चाचा का, ये पैसा लेकर चैतन्य बाप को निमंत्रण करके हम खिलाते हैं, शायद ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है अंदर में, क्योंकि हमारा हम दुखी हो जाएंगे, इससे जोर जबरदस्ती निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। महाप्रभु हंसा, बोले ठीक समझा, निमंत्रण बंद कर दिया क्यों? बोले इसलिए निमंत्रण बंद कर, बोले ठीक किया, अब तो बोलने जाए तो दुखी हो जाएगा। तो ऐसा विचार है, देखो क्या। और ठाकुर जी अगर संतुष्ट हो जाए, गुरु वैष्णव अंतर से संतुष्ट हो जाए, कुछ बाकी रह जाता क्या? कुछ नहीं। तुष्टे च तत्र किमलभ्यम अनंत आद्ये, ठाकुर जी स्वयं संतुष्ट हो जाए तो तुम्हारा कुछ बाकी रह जाएगा? कुछ नहीं, सब मिल जाए। और क्या बोले, बोले दैव वश जो पूर्व कर्म फल जो है, इसका अनुसार सारे चीज मिलते रहते हैं। और ठाकुर जी का ये कहना है कि जोगोक्षेम हम बहन करें, भक्तों का जो जोगोक्षेम है, धर्मादयो किम अगुने न किम कंखिते न स्वारम जुसाम चरणयो रूप गायो तामना। जो ठाकुर जी का चरण का गुणगान करते हैं, जो सी ठाकुर जी का चरण कमल का मकरंद आस्वादन किए, वो ठाकुर जी के चरण में क्या मांगे? कुछ प्रार्थना करे? कुछ नहीं मांगे, कुछ दरकार ही नहीं है, वो स्वयं संतुष्ट हो जाए। उसमें मुख का भी कुछ जरूरी नहीं समझता है, ऐसा सुंदर भक्त लोग। तो बच्चा लोगों ने, दोस्तों ने पूछा, बोला तुम्हारा ऐसा सुंदर बुद्धि कहां से भाई, कहां से हुआ? तो प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिए, देखो जब मेरा पिता मंदराचल पर्वत में भजन के लिए चले गए थे तपस्या करने के लिए, उस समय मेरा माताजी को ये इंद्र, स्वर्गराज इंद्र पकड़ के ले गए। उस समय नारद जी रास्ते में देखा हुआ, बोले राजन ये क्या कर रहे हो, ये दूसरे का पत्नी है, उसको छोड़ो, इसको पकड़ के ले जाओ। इंद्र बोले महाराज कोई चिंता नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, इसका अंदर में संतान है, वो असुर का संतान है, असुर का संतान तो असुर ही होगा, ये जब असुर पैदा हो जाए तो उसको हम छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो नारद जी बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसका अंदर में, इसका गर्भ में साक्षात अनंत देव का अनुचर है, भक्त है। अच्छा हाँ, तब तो इंद्र महाराज उसको परिक्रमा करके चले गए,
तो अभी प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं तो मातृ गर्भों में थे, लेकिन नारद जी महाराज जिसना सारे उपदेश किए भागवत तत्व विज्ञान सारे मैया का कोख में बैठे हुए हम सीख लिया। अपितरी प्रस्थिति अस्माकं तपसे मंदरा मंदरा चलम, जब तपस्या करने के चले गए असुर लोग, बोरा असुर लोगों का बड़ा असुविधा हुआ, समस्या हुआ, क्योंकि असुर का राज चले गए जंगल में, देवता लोग आक्रमण कर दिया, ऐसा सारे बहुत सारे घटना है। बोले नारद जी महाराज हमको सामने रखते हुए कोख में मैं उस समय जितना सारे भागवत तत्व विज्ञान को उपदेश किए सब हम गुरु जी से सीख ले, अब इसलिए सब बुद्धि हमारा ऐसा, हमारा गुरु जी संडोमार को नहीं है, हमारा गुरु जी है साक्षात नारद जी महाराज, देखने में लगता है। तो उसके बाद श्री द्वैत 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 राज का आदेश हुआ, बच्चा को लाओ, उसका कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं इतना दिनों में, इतना दिनों में उसका कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं, न कि वही हरि का बात बोले, जब भी पूछे हरि का बात बोले, अभी उसका कोई शिक्षा वास्तव हुआ कि नहीं, परीक्षा करने के लिए लाए। परीक्षा करने के लिए आए तो उसको जब पूछे, पूछने के बाद वही बात है, एक ही बात बोल रहे, तो इसका बात क्या करे। भले ऐसा जो बच्चा है संतान है दरकार नहीं है, भले तू मेरे को डरता नहीं, त्रिभुवन मेरा नाम पे डरता है, चौदह माने जितना सारे त्रिभुवन मेरा नाम पे डरता है, तू डरता नहीं, कैसा हिम्मत है तेरा, कहां से शक्ति आया, किसका शक्ति के द्वारा तेरा इतना पावर आया, बोल कौन है वो। तो प्रहलाद महाराज ने बोला देखो जो शक्ति के द्वारा मैं कह रहा हूं ये बात, जो शक्ति के द्वारा जगत चल रहा है, जिसके शक्ति के द्वारा आप कह रहे हो वही हरि एकमात्र शक्ति है। ऐ बंद कर बात बकवास, ऐसा करके पूरा गाली दिया। हे दुर्विनीतो मंदात्मन कुल भेद कारणम, हमारा ये खानदान का काली लेपने वाला, पूरा हमारा खानदान खराब हो गया है प्रहलाद के कारण, पूरा नाक कट गया हमारा, हरि का बात बोलता है, हम कितना ऊंचा असुर खानदान का है, हैं? जैसे हरिदास ठाकुर के जो गंगा पानी में फेंक दिया 22 बाजार में पिटाई करने का बाद, बोले ये हिंदू है, हैं? इसको गंगा में फेंको, फेंकने से इसका गति खराब हो जाएगा, गंगा में फेंक दो, गंगा में फेंकने से उसका दुर्गति होगा, फेंको गंगा में, फेंक दिया। हम लोग मुसलमान है, इतना ऊंचा खानदान है, और तुम हरि का नाम लेते हो हिंदू का, काजी बोल रहे, हम लोग हिंदू है, हम लोग मुस्लिम है, इतना ऊंचा खानदान का है और तुम उसका नाम ले लो हिंदू का देवता, बेकार, छोड़ो। छोड़ेगा नहीं, क्या करे। इसके बाद 22 बाजार में पिटाई किया, उसके बाद बोले इसका गोती खराब हो कर दो, ये तो बड़ा 22 बाजार में मारा, मारने का बाद फिर ऐसा करके फेंका गंगा में, चल गंगा में फेंक दिया, गंगा में डूबते 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 शांतिपुर आ गया, शांतिपुर अद्वैत गोसाई का उधर, अद्वैत गोसाई के साथ उसका मुलाकात होगी। इसका नाम है हरिदास ठाकुर, देखने में बाहरी दृष्टि में कुछ नहीं है, लेकिन कितना बड़ा देखो चैतन्य महापुर जिसको गोदी में लेके नाचा है, कीर्तन किया, यह गाली दिया। हे दुर्विनीतो मंदात्मन कुल भेद कारणम, हमारा पूरा खानदान का नाक कटवा दिया, बदमाश, बोल बद, बुद्धि खराब हो गया इसका, है तू स्तब्ध है, स्तब्ध मच्छासनो मच्छासनो उद्वृत्यम नेशे तु आद्य जमक्षयम, तेरे को जमालय में भेजेंगे आज, स्तब्ध, डरता नहीं तू मेरे से, जानता है मैं कौन हूं, त्रिभुवन डरता है, क्रुद्धस्य यस्य कंपते त्रयो लोकः सहेश्वरः, मैं क्रुद्ध हो जाने से मैं जो आंखें लाल कर दूं तो क्रुद्धस्य यस्य कंपते त्रयो लोकः सहेश्वरः, जितना सारे ईश्वर लोग है जो सब देवता लोग है सब डर जाते, मैं अगर आंखें लाल कर दूं तो तेरा कुछ नहीं होता, किसका किसका बल से ऐसा कर रहे है।
प्रहलाद महाराज बोले न केवलम मे भवत भवतश्च राजन सवै बलम बलिनांच परेशाम परे अवरे ओमि स्थिर जंगमा जे ब्रह्मादयो जेनो वसम प्रणीता। ये जो बल का बात आप करे किसका हिम्मत से, ये हिम्मत ठाकुर जी ने दिया। जिसका बल से मैं बोल रहा हूं, जिसका बल से आप काम कर रहे बोल रहे हे राजन सौवी बलम बोलीलांच परेशान। ये जगत में जितना सारे हिम्मतदार आदमी हैं, जितना सारे हिम्मतदार आदमी हैं, सबका हिम्मत, जितना सारे हिम्मतदार आदमी हैं, जितना सारे हिम्मतदार आदमी हैं, सब हिम्मतदार आदमी का हिम्मत वही एक है जो पूरा दुनिया को बस में रखे हैं, पूरा जगत चला रहे हैं। ये सुनते ही एकदम हिरण्यकशिपु एकदम सिंहासन छलांग उठे, क्या इसके बोले ले जाओ इसको मार डालो इसको। बोले किसी का अंगुली पे किसी जगह अगर कैंसर हो गया तो बोले डॉक्टर बोले ये अंगुली को बात देना पड़ेगा, नहीं तो आपका पूरा अंग खराब हो जाए। तो डॉक्टर क्या करे, डॉक्टर बोले आपका ये जगह कैंसर हुआ काट के फेंक दो। वो बोले नहीं महाराज हम फेंकेंगे नहीं तो मरो। हिरण्यकशिपु बोल रहा है पूरा हमारा खानदान का कैंसर है कर्कट रोग, ये अगर रहे तो मेरा खानदान नष्ट हो जाएगा, मारो इसको, ये मेरा लड़का नहीं है, मेरा लड़का होता तो मेरा बात बोलता, मेरा शत्रु का बात बोलता, मेरा शत्रु है हरि, मेरा शत्रु है हरि, मेरा भैया को खत्म कर दिया हिरण्यक्ष को, अब हम ढूंढ रहे कहां हरि है, उसको पकड़ के एकदम खत्म करे, और वो उसका ही बात बोल रहे मारो इसको, मार दो खत्म करो इसको, ले जाओ उसको लेके सब छिंद भिंदी इतिबादी ने मारो काटो ऐसा करके सब असुर लोग चिल्ला चिल्ला के आ गए। असुर प्रहलाद महाराज को पकड़ के ले गए, चलो किसी ने उस सूल मारे चुभाए, किसी ने तरवाल मारे, कुछ भी करे, लेकिन प्रहलाद महाराज का कुछ नहीं हो रहा है, ठाकुर जी रखा कर रहे। जब ऐसा किया कुछ भी नहीं हो रहा है तो हिरण्यकशिपु बड़ा चिंतित हो गया, ये कैसा है सूल मार रहा है काट रहा है कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कहता है ये बच्चा को कौन रखा कर रहा है, हाय भगवान कुछ हमारा तो ये इसमें खतरा जरूर जरूर खतरा है, ये बच्चा जो है बच्चा को लेकर बहुत चिंता है, मर नहीं रहा है, मरना चाहिए मर नहीं रहा है, अब ले जाओ इसको लेके ऊपर ले जाओ पहाड़ का चट्टी पे, ऊपर से उधर से समुन्द्र में फेंक दो चले मरे। ऊपर से फेंक दिया, ऊपर से ले गया हाथ पाथ बांध के उसे फेंक दिया समुद्र में जा, फेंक दिया तो वहां कौन उसको रखा कर दिया, साक्षात भगवान रखा कर दिया समुन्द्र में। वो जगह अभी भी है, अभी भी वो जगह है जहां प्रहलाद महाराज के बोले इसको 20 खा दो 20 खिला दो शरबत का साथ 20 दे ले दिया 20 दिला दिया, वो जगह अभी भी है पार्णन निशिंगो अभी भी है, वहां शरबत भोग लगता है निशिंग भगवान का, निशिंग आधा खा के आधा वापस देता है भक्त लोगों को, आधा खाते हैं अभी भी है दक्षिण उड़ीसा छोड़ के अंदरों का बॉर्डर जाओ पार्णन निशिंगो। फिर बाद में बोले इसको एक काम कर गुफा का अंदर घुसा दे, देखे ऊपर में पत्थर चपा दे दे, दे दिया। अहोवल निशिंगो अभी भी है, अहोवल निशिंगो पहाड़ी चट्टी में गुफा का अंदर जहां प्रहलाद महाराज को गुस्सा को ऊपर दे दिया। जियोर निशिंगो जहां समुन्द्र पहाड़ी ऊपर से फेंका समुन्द्र उधर वो जगह है भाईजैक, उसका नाम भाईजैक बोलता है विशाखा पत्थर, विशाखा पत्थनम भाईजैक है हाँ। वो जगह अभी भी है लेकिन आप लोगों को विश्वास नहीं होता, हर हालत में ठाकुर जी उसको रखा किया। प्रहलाद महाराज एक भी बोला नहीं ठाकुर जी मेरे को रखा करो, एक बार ही बोला नहीं, उसको फेंक दिया निशिंग आगे ऊपर से उसको ले लिया गोदी पे। जब किसी भी हालत से मर नहीं रहा तो क्या किया जाए, तो हिरण्यकशिपु ने उसका जो बहन है होरिका, होरिका को बुलाया, हे इधर आजा। और क्या हुआ भैया, बोलो तेरा तो अग्नि अग्नि से बर प्राप्त हुआ तो अग्नि अग्नि में जलेगा जलेगा नहीं तू, तो एक काम कर
ये बदमाश को लेके बैठ जा, चारों आंख जला दे। आंख जला दिया, आंख जला दिया, हरिका जो है हरिका अग्नि में जलेगा, जलेगी नहीं, वो बैठा हुआ। और प्रहलाद महाराज को गोदी में लेके बैठ गया, और प्रहलाद महाराज को आंख ने कुछ जलाया नहीं, उसको ही जला दिया। चलो प्रहलाद महाराज कुछ नहीं हुआ, जलाया तो उसको जला, पूरे जला के प्रहलाद महाराज। तो वो चिंतित हो गया, हाय भगवान ये लड़का तो मर ही नहीं रहा, शायद इसके द्वारा मेरा मौत ना हो जाए, हमको तो लगता है कि इस चक्कर में मेरा मौत हो जाए। ठीक ही समझा। बाद में बोला, ए तेरा हरि कहाँ रहता है, बोल ठिकाना कौन है। अरे हर जगह रहता है। हर जगह? हाँ हर जगह रहता है, हर जगह, ऐसा हाथ जोड़ के पिताजी चिल्ला के बात करता है प्रहलाद ना, हाथ जोड़ के, कहाँ रहता है तेरा हरि। पिताजी हर जगह है। हाँ हर जगह है, इस खंभा में है, ये खंभा जो है इसमें है, हाँ इस खंभा में भी, खंभा में भी है ठाकुर जी। एक मुक्का लगाया, दराम कोर के एकदम राज, सब चूर चूर होके गिर गया, और अंदर से हा 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 कहते नृसिंह भगवान प्रकट हो गया। बोलो नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान का जो ये जो चर्चा है, इस आविर्भाव सायंकालीन अधिवेशन में हम बताएंगे, जल्दी आ जाओ, अब नहीं करेंगे क्योंकि ये आविर्भाव का प्रसंग जो है सायंकालीन अधिवेशन में करे तो अच्छा है, क्योंकि संध्या का समय ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ था। अब प्रहलाद महाराज के बारे में थोड़ा ये जो बात है, इसमें इतना बड़ा प्रचारक है, देखो ये प्रहलाद महाराज ही एकमात्र है जो नृसिंहदेव सामने आ गया, बोले वर मांग लो, वर मांग लो। आप प्रश्न प्रहलाद महाराज ने बोले, देखो हमको वर दोगे लेकिन ये सब हमारा तो आशीर्वाद हो ही गया, क्योंकि आपका जो भक्त है परम भक्त नारद जी जो है, भक्ति जी भक्ति राज्य का आचार्य है, इसका संग हो गया, इन्होंने मेरे को कृपा कर दिया, आप नया करके क्या कृपा करोगे हैं? ये असुर वालों को आप कृपा करो। पुरुषोत्तम धाम नीलाचल धाम पे श्री चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लीला किए ने, नीलाचल क्षेत्र महाप्रभु का सन्यास लीला का क्षेत्र है, ये सन्यास लीला का जो क्षेत्र है इसमें महाप्रभु उठते बैठते चलते खाते जब समय, जब भी चैतन्य महाप्रभु एक एक पल भर में जो कुछ भी किए सारे भक्तों लोगों को शिक्षा देने के लिए, चैतन्य महाप्रभु का उठना बैठना खाना सोना कुछ भी किए सब भक्तों लोगों का स्वभक्ते भ्यो सुध्याम निज भजन मुद्राम पदिशन सचैतन्य किंग मे पुनरपिदीश्वर या स्वाति पदम। सुनोगे सायंकालीन अधिवेशन, ये चैतन्य महाप्रभु का हार उठना बैठना कुछ भी बोलना कुछ भी करना सारे हमारा भजन का सीक्रेट रहस्य, सीक्रेट रहस्य। हमारा गौड़ीय मठ में अगर भजन ना हुए करोड़ों जन्म में किसी जगह भजन नहीं होगा, भजन होगा ही नहीं, इतना सुविधा है, इतना सुविधा है। सारे सिर्फ गुरु वैष्णव का अनुगत्य में बैठ के सोचो समझो, हिंसा मत करो, बस हो जाएगा। गौड़ीय मठ का माफिक, गौड़ीय मठ का जो भक्त है, लेकिन आज ये बोलने में मेरा शर्म आता है, कैसे बोले ऐसा बात है, हम तो चिल्ला के बोलते रहते कुछ भी हो जाए। ये चैतन्य महाप्रभु जो है नीलाचल क्षेत्र में गदाधर पंडित जो है, गदाधर पंडित जब आई टोटा से, टोटा गोपीनाथ प्रकट भाई आई टोटा, आई टोटा जंग वो जो आई टोटा है उससे टोटा गोपीनाथ का प्रकट हो प्रकाश हुआ, ये टोटा गोपीनाथ को चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा प्यार करते थे, स्वयं गोपीनाथ है लेकिन वो दिखाते थे, गोपीनाथ का दर्शन के लिए जाते और गदाधर पंडित उधर रहते, गदाधर पंडित को ये टोटा गोपीनाथ को सेवा समर्पित किए, तुम इधर रहे जावत जितना दिन तक रहोगे आप ये टोटा गोपीनाथ का ही सेवा करते रहना, ऐसा करके दे दिया। और महाप्रभु बीच बीच में घूम फिर कर गदाधर के पास जाते थे, गदाधर आज मेरे को प्रहलाद चरित्र सुनाओ, प्रहलाद चरित्र सुनाओ। अब
प्रहलाद चरित्र सुनाओ मेरे को, कभी बोलते ध्रुव चरित्र सुनाओ, घूम फिर कर बार बार सुना है दो महीना पहले, अब बोलो 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 फुला प्रहलाद चरित्र और सुनाओ, क्यों कारण क्या है? देखो महाप्रभु का क्रम प्रचेष्टा देखो, अंतर में गोपी भाव है, अंतर में हर वक्त गोपी भाव है, मंजरी भाव शिक्षा देने के लिए तो आए, लेकिन कोई अगर बदमाश भजन नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ वो बोले हम मंजरी भाव करेंगे गोपी बन जाएंगे, बन जा तो महाप्रभु का नकली करे। महाप्रभु अंतर जो भाव है और बाहर जो विप्रलंब भाव प्रदर्शन किए, ये तो ऊंचा जो भक्त लोग है वो लोग समझेगा, बाकी आम आदमी के लिए चैतन्य महाप्रभु का अलग व्यवस्था है, साधारण आदमी के लिए महाप्रभु का जो व्यवस्था है वो विशेष व्यवस्था अलग है, साधारण व्यवस्था अलग है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बार बार प्रहलाद चरित्र सुनाओ धुबव चरित्र सुनाओ ऐसा बोला, लेकिन तकदीर इतना खराब है बुद्धि खराब हो गया तो बोले चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोला नहीं, और खाली गोपी भाव ही बोलेंगे, बस गोपी भाव कर। चैतन्य चरितमृत में इसलिए बोला गया अंतरंगा लय करे रस साधन, बहिरंग लय करे नाम संकीर्तन, अंतरंग लय करे रस साधन। तले चैतन्य महाप्रभु झूठा किया, बेकार किया ना, चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल अंतरंग भक्ति को लेकर रस साधन जो गुप्त रस है ये ओपनली देने का चीज नहीं है, ये सब मना है। भक्ति में ठाकुर जी बिल्कुल सख्त माना कर दिया, लिखा है भक्ति में ठाकुर बोल रहे हैं जिन सब व्यक्तियों ने बोल रहा है कि हम तुमको रस सिखा देंगे रस भजन, तो वो चीटर है, चीटर जो बोले हम तुम्हारा रस का भजन तुमको सिखा देंगे वो धोखाबाज है, धोखेबाज। रस कभी किसी को नहीं दिया जा सकता, संभव नहीं, ये स्वयं उदित होता है। भक्तिमय ठाकुर का बात कोई नहीं मानेगा, गौड़ी मठ खोल के रखे भक्तिमय ठाकुर का बात मानेगा नहीं, प्रभुपाद का बात मानेगा, उल्टा बोल रहे हैं भक्तिमय ठाकुर प्रभुपाद का बात माने तो अभी मठ नहीं चलेगा। अच्छा हैं, बोल रहा हमारा सामने तो नहीं बोला, बोले तो हम जवाब देते। आदमी लोग आगे बोलते महाराज बोलता है भक्तिमय ठाकुर प्रभुपाद का बात माने तो गौड़ी मठ नहीं चलेगा, हम उसको बोलो घर जाके शादी करके रह जाए, जो भी हो उसको बोलो घर चले जाए उससे अच्छा होगा, इतना बड़ा अपराध। हमारा गुरुजी बोलते थे, गुरुवर्ग बोलते थे भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद का एक बात छोड़कर गौरी मठ नहीं चलेगा, एक बात छोड़ दो गौरी मठ नहीं चलेगा, तुम क्लब में रह जाओ, क्लब जानता है, क्लब जानते हो, क्लब हो जाएगा। इस विषय में सायंकालीन अधिवेशन में हम चर्चा करेंगे, आज यहाँ तक रहने दो, प्रस्तुत होके आओ सायंकालीन अधिवेशन, जल्दी आओ, जल्दी बैठो, समय नहीं, अब जा रहा है, हम तो दो दिन बाद चले जाएंगे। प्रायेण देव मुनयो सभी मुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजने न पराथ निष्ठा नैतान विहाय कृपना न विमुक्ष एको नान्यम तदस्य शरणम ब्रह्मतो नुपस्ते वांछा कल्पतरुपस्य के पास सिंधु व्यवचार पतितानं पावन भविष्णभ्यो नमः।